लंबा सफर। मैकी, मुझे लगता है इनमें से एक हार गायब है। गायब है? ये तो मुमकिन नहीं है। हेलो। हाँ, मुमकिन है। तुम्हारे पंछी की करतूत है। पॉन्टियस, मुझे वो हार वापस दो इसी वक्त। बदमाश पंछी, मैं अभी ले आता हूँ पिताजी। संभल कर, और जो भी करो बस उन रोमन से दूर रहना। जरूर पिताजी। चलो वापस आओ। बदमाश पंछी, बदमाश पंछी, बदमाश पंछी। देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपके लिए भाव काम बहुत हो रहे हैं। अरे साहब, आप आइए साहब, देखिए। पॉन्टियस, पॉन्टियस रुको, वो रोमन्स है। नहीं, सॉरी, माफ कर देना। एक दिन तुम हमें जरूर मुसीबत में फंसाओगे। मुसीबत, मुसीबत। शुक्रिया सज्जनों, आपने इस तोते को दिखा दिया, यहाँ आपका राज है। बदमाश पंछी, अब अपना मुंह बंद रखोगे? पता लिया। चुप रहो लिया, तुम्हें याद नहीं पिताजी ने क्या कहा था? घबराओ मत, किसी ने नहीं देखा। रेबेका। तुम लोग कौन? सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। आप कौन हैं? मेरा नाम ईज़ा है, मैं समेरिया से हूँ। आप अंदर बंद क्यों हैं? आपने क्या किया है? कुछ नहीं, हम गुलाम हैं। और तुम दोनों? हम दोनों हम कौन हैं रेबेका? हम तो बस मुसाफिर हैं और कुछ नहीं। चलो रुको, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे पिताजी गैलिली में हैं, रोमन से लड़ रहे हैं। लिया, अपना मुंह बंद रखो। कोई बात नहीं, यहाँ रोमन्स को पसंद करने वाले बहुत कम लोग हैं। पर तुम दोनों यहाँ अकेली कैसे रह पाओगी? फिक्र मत कीजिए, पिताजी के अलेक्जेंड्रिया में एक दोस्त है, उनका नाम सैमुअल है, चांदी की चीजें बनाते हैं। हम कुछ दिनों तक उनके साथ रहेंगे। पर आपका क्या, आप यहाँ कैसे रहेंगी? हमारी किस्मत में शायद यही रहना लिखा है। ये लो, शायद इससे तुम्हारी किस्मत चमक जाए। हम ये नहीं ले सकते, आपके पास सिर्फ यही तो है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पिताजी के लिए भी है, जो रोमन से लड़ रहे हैं। मैंने इतने अलग अलग तरह के लोगों को कभी नहीं देखा, मैंने इतना खाना कभी नहीं देखा। लिया, ये तुम्हारा खाना नहीं है। हे, मुझे भूख लगी है, समझी? भूख लगी है? भूख लगी है क्या? तुम्हें भी? हाँ? ए, सुनो, इन अंगूरों के पैसे कौन देगा? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अंगूर ये खा रहा है। यहाँ पर कौन है? रेफ्यूजीज। हाँ, वही हो तुम लोग, रेफ्यूजीज। अरे अरे, हटो हटो, क्या क्या कर रहे हो? अरे हटो, अरे ब्रूटकस, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ दो रेफ्यूजी लड़कियाँ थी सर, वो तो फल चुरा रही थी। अच्छा, तो यहाँ लेटकर आराम क्यों कर रहे हो? आपके साथ व्यापार करके अच्छा लगा। अपने दोस्तों को मेरे बारे में जरूर बताना, यहाँ डेल्टा क्वार्टर के सैमुअल चांदी वाले को सब पहचानते हैं। मिल गए। शुक्रिया। और दोबारा जरूर आना। जरूर। सैमुअल वहाँ होंगी, देखो। क्या तुमने यहाँ पर दो छोटी लड़कियों को देखा है? शायद वो रेफ्यूजीज हैं।
रेफ्यूजीज? नहीं महोदय, नहीं देखा, पर अगर वो दिखे तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। क्या आप महाराज नीरो की चित्रांकित इस सुंदर मेडल को खरीदना चाहेंगे? मेरे पास फालतू समय। इस बार तुम्हारा काम कुछ जचा नहीं सैमुअल। इस पर तो मेरा चित्र होना चाहिए था। कल मैं आऊंगा, इस पर मेरा चित्र बना देना, समझ गए? जी बिल्कुल सर। वो देखो, वो रही। पकड़ो उन्हें। हे, तुम दोनों रुक जाओ। नहीं, वो दोनों दिख नहीं रही सर। वो कैसे दिखेंगी बेवकूफ कहीं के? वो इन टोकरियों में से किसी एक में होंगी। क्या मुसीबत है, सब उन लड़कियों की वजह से। क्या लेकर जा रहे हो? मैकी। लिया, चुप रहो। ओ मैकी, तुमने तो हद कर दी। इन्होंने कहा इनके पिताजी आपको जानते हैं। तुमने इसमें क्या लाद रखा है? बस मछलियां हैं सर। उन्होंने ही आपके पास भेजा है, उन्होंने ये दिखाने को कहा था। मुझे लगता है मैंने इस तरह का हार तो 15 साल पहले बनाया था। वो रोमन से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा आप हमारी मदद करेंगे। उनका नाम डैनियल है। डैनियल, गैलीली से, याद आया। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से ले चलो मैकी। मैकी, पुल तो टूटा हुआ है। घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैकी संभल कर। माँ इन्हें देखकर जरूर चौंक जाएंगी। नहीं नहीं, उसे मेहमान पसंद है। ये मेहमान नहीं है सैमुअल, ये तो रेफ्यूजीज हैं। इनकी मदद की तो रोमन्स को पता चल जाएगा, वो हमें मार डालेंगे। डायना, ये दोनों मेरे पुराने दोस्त की बेटियां हैं। हाँ, किसी कट्टर धर्मी की। और शायद तुम भूल रहे हो, हम कट्टर धर्मी नहीं हैं। कट्टर धर्मी नहीं है? इस तोते को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कट्टर धर्मी नहीं है? कट्टर धर्मी का मतलब वो जो रोमन से डरते नहीं, जैसे हमारे पिताजी। मैं भी रोमन से नहीं डरता। मैकी, तुम्हें याद नहीं क्या हुआ था जब उनके सैनिक 2 साल पहले यहाँ घुस आए थे? उनसे डरने की हमारे पास काफी वजह है। मगर उनसे ना डरने की भी काफी वजह है। तुम्हें डैनियल की कहानी याद है? तुम्हारे पिताजी का नाम उन्हीं पर रखा गया था। ये डैनियल एक नए राजा के राज्य में रहता था, उनका नाम था डेरियस। डैनियल राजा डेरियस का दोस्त था, पर कुछ लोग थे जो राजा और डैनियल की दोस्ती से जलते थे। उन्होंने डैनियल से छुटकारा पाने का षड्यंत्र रचा। पूज्य महाराज, आप एक ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि पूरे माह भर जो कोई भी आपको छोड़कर किसी और देवता की पूजा करेगा, वो शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। राजा आज्ञा जारी करने के लिए मान गए। पर एक आदमी ने ये आज्ञा नहीं मानी, डैनियल। डैनियल डेरियस का सम्मान जरूर करते थे, पर वो जानते थे कि वो परमेश्वर नहीं है। इसलिए एक सच्चे यहूदी की तरह वो जेरूसलेम की ओर मुंह करके ही प्रार्थना करते रहे, जैसा कि वो हमेशा किया करते थे। आपके यहूदी दोस्त डैनियल ने आपका निरादर किया है महाराज, उसने आपका हुक्म नहीं माना है, वो अब भी अपने परमेश्वर की ही पूजा करता है।
डेनियल को गिरफ्तार करो। परमेश्वर ही आकर तुम्हें बचाए मेरे दोस्त। डेरियस सारी रात अपने दोस्त की चिंता में सो नहीं पाए। डेरियस को यकीन था कि शेरों ने उनके दोस्त को खा लिया होगा, पर जब उन्होंने गुफा के अंदर देखा। डेनियल, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया? आप हजारों साल जिए महाराज, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। भगवान ने मुझे शेरों का निवाला बनने से बचाया। डेरियस ने डेनियल पर आरोप लगाने वालों को गिरफ्तार करवाया, फिर उन्होंने अपनी आज्ञा वापस ले ली और लोगों को अपने परमेश्वर की पूजा करने की इजाजत दे दी। तो अब क्या कहती हो? यही कि खाना ठंडा हो रहा है, तो फिर जल्दी चलो। तो अब क्या तुम दोनों को न्योता देना पड़ेगा?